दोस्तों बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे दिशा सालियान के बारे में। जी हां, दिशा सालियान, आपको बता दें दिशा सालियान कौन है। जी हां, दिशा सालियान जो है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर है, जिन्होंने 8 तारीख को 8 जून की रात को सुसाइड किया। सुशांत सिंह की मौत के बाद इस पर भी गुत्थी काफी उलझ गई। रात दिशा सालियान पार्टी में काफी खुश नजर आ रही है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा। जब ये जिस टाइम का अगर ये वीडियो है, उसके एक घंटे के बाद ही ये सब वाकया हुआ। और सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो अभी सुनने को आ रहा है कि दिशा सालियान ने जब सुसाइड किया या उसकी जो मौत हुई, उस पर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक तरफ अगर उसके परिवार की बात करें, परिवार वालों का कहना है कि हमें काफी मीडिया या काफी जो सोशल मीडिया पे सब चला, ये सब गलत है। काफी सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी बड़ा खुलासा हो रहा है। सुसाइड के 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, ऐसा क्यों? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत एक राजनीतिक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अलग पार्टियों के अलग अलग बयानबाजी हैं। बिहार और मुंबई पुलिस के आपस में खींचातानी हो गई है। आखिर क्या है ये? हम आपको बता दें कि 8 तारीख की रात को जब दिशा सालियान काफी खुश थी। दिशा सालियान की अगर केस की अगर बात करें तो इसमें कितनी सच्चाई है? उसका पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद क्यों किया गया? दिशा सालियान को एक कॉल आता है लंदन से अंकिता का, जो उसकी फ्रेंड बताई जाती है। पुलिस ने उससे भी कहा कहना है कि जब वो काफी दुखी या काफी टेंशन में होती है तो अक्सर मुझे फोन करती है। जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं दिशा सालियान की मौत से काफी दुखी थे। दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह, मामला काफी उलझ गया है। दिन पर दिन परतें खुलती जा रही हैं पत्तों की तरह। अब देखना यह है कि यह रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है।